मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरवी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। तो बेसिकली यहां पर पीछे देखेंगे तो आप प्लांट है भाई एमके वालों का, एमके लाइट आपने सुना ही होगा। एमके वैसे बहुत सारे पुर्जे मैन्युफैक्चर करता है, बेसिकली इंजन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो, जिसमें क्लच भी है, ब्रेक शू भी है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पुर्जे। अब क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है वो तो हम अंदर जाके ही पता लगाएंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं अंदर, मिलते हैं सुधीर जी से, जो हमें पूरे प्लांट का विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि किसी एक पुर्जे को बनाने के लिए उन्हें कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक पुर्जा बनता है। तो चलते हैं सीधा प्लांट के अंदर। सुधीर जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और अब तो और अच्छा हो गया भाई। हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे बनता है पुर्जा। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहता हूं कि एमके कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है जी। मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूं पुर्जे के अंदर, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग पुर्जे होते हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल के अंदर, टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो, तो उसके अंदर बेसिकली बनता क्या क्या है एमके के अंदर? 1959 से हम लोग क्लच बना रहे हैं। ओके। और आज इंडिया में लार्जेस्ट क्लच मैन्युफैक्चरर कंपनी हमारी है, जिसमें हम क्लच प्लेट, प्रेसर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर, कंप्लीट क्लच असेंबली, डिस्क ब्रेक पैड, ब्रेक शू, लीवर, योक, इतने सारे पार्ट्स हम क्लच के, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के 100% क्लच हम बना रहे हैं। मतलब 1960 के व्हीकल से लेके और टिल द डेट 2024 तक के जो व्हीकल है उन सबके रेंज हमारे पास अवेलेबल जाएगी। अच्छा जी, किसी पुरानी बाइक का भी पुर्जा अगर हमें चाहिए हो, चाहे वो RX 100 ही क्यों ना हो, RX 100, यशदी, बुलेट, सभी के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एमके कंपनी ना होना तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स की रेंज को कोई कंपनी पूरी कर सकती है। चाहे कि एमके का बहुत बड़ा योगदान है पूर्ति करने में स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को। हम किस तरीके से, किस हद तक जाके क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, और हमारा मेन मोटिव यह है सेटिस्फेक्शन जो हमारे कस्टमर का है वो हमेशा हाई रहे और उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। हम कितने चेक पॉइंट से किसी पार्ट्स को चेक करते हैं, चेक होने के बाद वो कस्टमर के पास पहुंचता है कि जब हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जीरो डिफेक्ट है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते। अभी आप जैसे देखेंगे कि मेरे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, ये प्रेसर प्लेट है जो मेरे ही प्लांट की बनी हुई है। हाँ। इसके अंदर क्या इसका डायमीटर होना चाहिए, क्या फ्लैटनेस का होना चाहिए, क्या इंडेंटेशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए, वो उसको 100% इस तरीके से चेक करेंगे। ये हमारी पीडीसी शॉप है, पीडीसी शॉप मतलब प्रेसर डाई कास्टिंग शॉप। ओके। तो जिसके अंदर कि हम रॉ मटेरियल से मटेरियल को डाई के थ्रू मटेरियल को बनाते हैं। क्या प्रोसेस है? जैसे कि हाफ और सेंटर के लिए मेरे को एल्यूमिनियम चाहिए। हाँ। जो OEM रिकमेंडेड करता है, OEM मीन जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर जो वो रिकमेंड करेगा वही ग्रेड का हम यूज करेंगे। ये मेरी फर्नेस है। हाँ। फर्नेस के अंदर मेरा एल्यूमिनियम है। हाँ। जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एल्यूमिनियम रोबोट ऑटोमेटिकली फिल करेगा। हाँ। डाई में फिल होगा और डाई से जो कंपोनेंट की शेप है वो बन के निकलेगी। इसको सिर्फ पहले से सेट, जो ऑपरेटर है उसको सिर्फ पार्ट लगाना है। पार्ट लगाने के बाद आप मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करेगी, वो हर चीज़ को मेंटेन करके आपको देगी। उसके बाद भी हमने क्रॉस चेक करने के लिए इनको गेजेस दिए हैं। जैसे इसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट में क्या है, सबसे क्रिटिकल पार्ट है फिटमेंट, ये ID। जब ये जाके हाउसिंग में आप फिट करोगे तो ये ID आनी चाहिए। बाकी पार्ट तो उसके अंदर क्लच प्लेट तो इसके अंदर लगेगी। मेन ये पार्ट है और ये हाइट है। तो ये क्या है, हमने इनको गेज दे दिया, ये इसने डाला। ओके। और अगर ये कम है तो ये रेड मतलब NG, अगर ये चला गया तो NG हो जाएगा, ये इसमें नहीं जा रहा। ये यहीं पे इसने 100% पार्ट को वेरीफाई कर लिया। ओके, नोट ओके कि जैसे मेरे 1, 2, 3, 4 लेग हैं, अब 4 लेग के साथ एक साथ मैं ड्रिलिंग करूँगा यहाँ पर और 4 में एक साथ थ्रेडिंग करूँगा, मतलब कोई भी पार्ट मिस होने के चांस नहीं है। अगर मैं सेपरेट करूं तो हो सकता है कोई एक मिस हो जाए, मैं चूड़ी मिस हो जाए। भाई ये हमने देखा है कि कभी कभी जेन्युइन कलर सेंटर के अंदर थ्रेड ही नहीं होती है, एक में होगी, दो में होगी नहीं या चारों में ही नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन से किया तो चारों में चूड़ी नहीं होगी या फिर चारों में होगी, एक में मिस होने का मिस होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये स्टार सिटी का क्लच सेंटर है, स्टार सिटी अपाची RTR 160 और अपाची 180 दोनों में लग जाएगा, तीनों में। अब आप देखोगे 4 हेड है इसमें। हाँ। और इसके अंदर भी 4 ही लेग्स हैं। हाँ। तो चारों को पहले इसने ड्रिलिंग किया। हाँ। क्योंकि जब मेरे पास पीछे PDC से कंपोनेंट बन के आया था तो साइज कम होता है। हाँ। क्योंकि अगर साइज मैं पहले से मेंटेन करूंगा तो
थ्रेड मेंटेन नहीं आएगी, थ्रेड मेंटेन नहीं आएगी। पहले हम ड्रिलिंग करेंगे देन थ्रेडिंग करेंगे। अभी आप देखेंगे उनमें चारों में उन्हें थ्रेडिंग कर दिया और उसके साथ में हमारा कूलेंट चल रहा है कि जो उसमें से बुरादा निकलना है या जो चिप्स निकलने हैं वो साथ के साथ क्लीन होते रहे, वो थ्रेड को डैमेज ना करें। अब हमें उस पार्ट को क्लीन करके भेजना है मार्केट में। अभी इस मशीन के अंदर हम इसको क्लीनिंग करते हैं। हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया हुआ है, वाटर का फ्लो आएगा, एयर का फ्लो आएगा। जब वो क्लीनिंग होने के बाद बाकी का पानी का मॉइस्चर है वो हवा में मॉइस्चराइज होके उड़ जाए, कि अगर गीला रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज होने के चांस है या नमी रह सकती है उसमें। तो साथ में क्लीन भी हो रहा है और सूख भी रहा है पार्ट, दोनों काम एक साथ, दोनों साथ एक साथ हो रहे हैं। आप सेंटर क्लच पेड प्रेशर पेड अब हम असेंबल्ड कर रहे हैं। असेंबली हम इस पिक्चर में कर रहे हैं जो हाउसिंग की तरह से डिजाइंड है, जो व्हीकल का क्लच हाउसिंग जिसमें इसको फिट करना है, जिससे कि रेडी टू फिट है। ये असेंबली बन गई, इसको उठाना है और व्हीकल में लगा देना है, एज इट इज लगा देना है। उसको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चेक्ड है। UG4 की क्लच की असेंबली कंप्लीट रेडी है। आप देख सकते हो जो क्लच व्हीकल का क्लच हाउसिंग है उसी के अंदर रख के क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं और साथ में टॉर्किंग कर रहे हैं कि सारे बोल्ट इक्वल टॉर्क पे टाइट हो, जिससे कि ये नहीं हो। मैनुअली जब हम टाइट करते हैं तो एक कम टाइट हो सकता है, एक ज्यादा टाइट हो सकता है और मिस अलाइन हो सकती है। अब हम यहाँ पे इस वाले पिक्चर पे आते हैं। इस मशीन से हम ये चेक करते हैं कि जब मैं मोटरसाइकिल के अंदर लीवर दबाऊंगा तो मेरा क्लच अंदर जाके कितना दबाने के बाद वो एंगेज होगा या डिसंगेज होगा। कि अगर कोई भी पार्ट गलत हुआ, मान लो क्लच प्लेट बैंड हुई, प्रेशर प्लेट बैंड हुई, हब में कोई मशीनिंग कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो एंड पॉइंट पे कोई भी पार्ट होगा तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा कि गलत पार्ट है, ये आगे नहीं जाना चाहिए, ये एनजी है, इसमें कोई ना कोई पार्ट गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर इंगेज या डिसंगेज या प्रॉपर टॉर्क नहीं लेगा, वो हमने यहाँ पे इंश्योर कर। असेंबली वहाँ से पैक हुई, पैक होने के बाद हम 5 पीस का पैक बनाते हैं। 5 पीस के पैक पे जो भी उसकी पार्ट नंबर है, MRP है, वो डालते हैं हम। ठीक है, उसे डालने के बाद देन हम उसको क्रॉस चेक करते हैं वेट के लिए। वेट करते हैं 100 पार्ट का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्ट हमने इसमें वेट किया हुआ है, यहाँ पे स्टैंप लगाई, ये वेट डाल दिया, उन्होंने चेक कर दिया कि 100% जो पार्ट है वो उतना है इसमें या नहीं है। अगर कोई भी शॉर्ट होगा तो वो यहाँ पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फीफो मेंटेन करने के लिए स्टिकर है हमारे, स्टिकर में आप देख सकते हो अलग अलग कलर के हैं, जिससे कि दूर से हम, आप डब्बों पे भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कौन से मंथ का है, तो इजीली उसको ट्रैक करके वो फीफो के अकॉर्डिंग माल को डिस्पैच कर सके, जिससे कि जो माल पहले बना वो पहले जाए, जो बाद में बना वो उसके बाद जाए। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राहक है उसको लेटेस्ट माल मिलना चाहिए, मतलब चाहिए। पुरानी MRP का या फिर पुरानी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं मिलना चाहिए। जो भी हमारा बॉक्सेस बनते हैं, किसी के 200 पीस के जाने हैं, किसी को 500 जाना है, किसी का जो भी XYZ ऑर्डर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम उसको सिंक रैप करते हैं और बेल्टिंग लगाते हैं, जिससे कि डब्बे को मजबूती मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे भी एक बार उसको हम वेट करते हैं दोबारा से, जाने से पहले एक बार दोबारा से फिर वेट वेरीफाई होता है कि जो वेट वहाँ से आया था उसको ये टिक करके लिस्ट में वेरीफाई करते हैं कि हाँ मैंने भी वेरीफाई किया है, ये वेट उतना ही है, देन आगे तो यहाँ पे वेट वेरीफाई होता है और यहाँ से फिर माल आगे निकल जाता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के लिए। उसके बाद वहाँ से फिर वो मैकेनिक तक, यूजर तक, जो भी हमारा ग्राहक है, एंड यूजर है, उस तक पहुँचता है यहाँ से। तो ये भाई हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो था कि कैसे एक पुर्जे को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर करते समय क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्वालिटी देखी जाती है, क्वालिटी लेवल का जो टेस्ट है वो कितने लेवल पर होता है, क्या क्या देखते हैं। किसी भी एक पुर्जे को भाई बनाना इतना आसान नहीं है, अगर उसे बना रहे तो उसमें हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर भाई हमने पूरा प्रैक्टिकली देखा, एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने हाथों से गुजर के निकलता है एक पुर्जा, तब जाके वो पास होता है और फिर एंड यूज़र मैकेनिक के हाथ में या फिर दुकानदार के हाथ में वो आता है। तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी क्लच के हब सेंटर के ऊपर और असेंबली के ऊपर। अगर आप लोगों को क्लच प्लेट्स और ब्रेकसू के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि कैसे वो बनाए जाते हैं और किस टाइप का मटेरियल उनमें यूज़ होता है, तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड।